हाँ जी, वेलकम आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक विद कन्नू। तो आज अपनी नेक्स्ट जो हमने 500 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है जीएस के क्वेश्चन की, उसकी नेक्स्ट क्लास है। करते हैं स्टार्ट। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है, ठीक है। जो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो भारत में कौन से देश से ली गई है, विदेशी स्रोतों में कौन से विदेश से ली गई है। तीन ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, चार ऑप्शन है अपने, कौन कौन से हैं, इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए और फ्रांस से। तो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो हमने ली है इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड से ली है हमने एकल नागरिकता की व्यवस्था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधानिक निर्माता किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बीआर अंबेडकर और सी के रमन, ठीक है। तो किनको कहा जाता है, सी ऑप्शन होगा अपने, भारत के जो निर्माता हैं संविधान के उन्हें बीआर अंबेडकर को कहा जाता है। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, जिनकी अध्यक्षता में जो संविधान पर अंतिम स्टैंप लगी थी, मतलब इनके अंडर ही, इनकी अध्यक्षता में ही जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। तो संविधान निर्माता हम बीआर अंबेडकर को बोलते हैं और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है। बीआर अंबेडकर तो मैंने अभी बताया, अभी थे ना, अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे, दो नहीं थे इनमें से, ठीक है, दो नहीं थे। एक तो इसमें राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और दूसरे अपने यहां पर अगर गोपाल स्वामी अयंगर होता फिर तो हम इसको भी मानते, भी ये भी थे हमारे प्रारूपण समिति के, बट यहाँ पर गोपालचारी है तो इसके दोनों ऑप्शन ही आएंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन ही आएंगे कि राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, यहाँ पर गोपाला स्वामी अयंगर होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर गोपालचारी अयंगर है, इस वजह से हम इन दोनों ऑप्शन का टिक करेंगे। राजेंद्र प्रसाद भी प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे और गोपालाचार्य भी नहीं थे। कौन कौन थे, कौन कौन से थे, ठीक है, एक तो बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, एक गोपाला स्वामी अयंगर थे, ठीक है, एक अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, ठीक है, और कौन थे, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, ठीक है, एन माधव राव, ये चार, सात सदस्य थे। कौन कौन से थे, बी आर अम्बेडकर थे अध्यक्ष अपने, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, माधव राव, ठीक है, और गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी, ठीक है, ये जो सात सदस्य थे ये अपने थे प्रारूपण समिति के, और अध्यक्ष अपने बी आर अम्बेडकर थे जिनको हम संविधान का निर्माता भी बोलते हैं, ठीक है जी, आगे समझ। ये साथ के साथ अपने प्रारूपण समिति के सदस्य थे। इस ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद को भी टिक करेंगे और गोपाल चारी अयंगर को भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चारी दे रखा है, गोपाल स्वामी आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर गोपाल स्वामी होता तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संघ सूची में कितने मदे हैं, ठीक है, संघ सूची में कितने मदे हैं, ठीक है, या पहले थे, यहाँ पर थे होगा तो हम लगाएंगे 97, क्योंकि पहले 97 मदे थे इसके अंदर और अब हो चुके हैं 100, एट प्रेजेंट 100, ठीक है, 100 विषय हैं संघ सूची में, ठीक है। और संघ सूची वो होती है जिसका मतलब जिसकी सारी व्यवस्था किसके हाथ में होती है, संघ मतलब केंद्र के हाथ में होती है। दूसरी होती है राज्य सूची, जिसके अंदर राज्य का अलग अलग कंट्रोल होता है, मतलब हर राज्य की अपनी अपनी उसके ऊपर कंट्रोल होता है। और समवर्ती सूची होती है जिनके ऊपर केंद्र का राज्य का दोनों का मिक्सअप ही कंट्रोल होता है, ठीक है। तो संघ सूची जब हमारा संविधान बना था तब 97 थे, ठीक है, और अब 100 है, ठीक है। अगर थे पूछे जाए, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर वो दिक्कत है, यहाँ पर ये होना चाहिए था कि कितने थे जब संविधान बना था तो 97, और अगर पूछा जाए आज कितने हैं एट प्रेजेंट तो 100 है,
ठीक है, एट प्रेजेंट अगर पूछे जाए तो कितने हैं, 100 है। राज्य सूची में पहले कितने थे, 66 थे, राज्य सूची में पहले 66 थे, अब कितने हैं, 61 विषय आते हैं। और समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में पहले कितने थे, 47, अब हो चुकी है 52 विषय, ठीक है, 52, पहले 47 थे अब 52 है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इसका क्वेश्चन हम 97 एक बार टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक वास्तविक आधार के विपरीत की जाती है, कि जो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार माना था कि हम लोकतंत्र अगर हम अपने भारत देश में करेंगे लागू तो ये हमने सोचा था कि ये बदलाव आएंगे, ये चीजें हो सकेंगी, तो कौन सी उसके विपरीत गई, कौन सी चीज हमारी सोच के विपरीत गई, दलीय प्रणाली लोकतंत्र में है, संसदीय प्रणाली है, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का जो हमने सोचा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था या फिर लोकतांत्रिक प्रणाली के बाद जाति व्यवस्था की जो दिक्कत है वो सुलझ जाएगी, ठीक है, बट 6 दशकों के बाद भी, संविधान लागू होने के 6 दशकों के बाद भी, सरकार लोकतांत्रिक सरकार आने के 6 दशकों तक भी, अभी तक भी जो जाति व्यवस्था वाली जो आधार है ये हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली के विपरीत जाता है, तो सी ऑप्शन इसका अपना करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, 5, 6, 9 या 7, तो उस टाइम दिए गए थे 7, ठीक है, उस टाइम दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार, लेकिन अब कितने हैं, अब हैं 6 मौलिक अधिकार। कौन सा एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इस अधिकार को खत्म कर दिया गया है मौलिक अधिकारों की लिस्ट में से, ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं अपने को। इसको कब अलग किया था, 44वें संवैधानिक संशोधन में, 44वें संवैधानिक संशोधन में, जो ये हमारा संपत्ति का अधिकार था इसको क्या कर दिया गया था, मौलिक अधिकारों की सूची में से अलग कर दिया गया था। ठीक है जी, उसके बाद कौन कौन से 6 अधिकार हैं अब अपने पास, समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और छठा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये जो 6 अधिकार हैं अब अपने मौलिक अधिकार हैं, जब पहले थे तब हमारे 7 थे, एक कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन में जो हुआ था 1979 ईस्वी को। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, जो न्यायिक समीक्षा है उसकी अवधारणा हमने कहां से ली है, इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका राइट आंसर होगा अपना यूएसए से। ठीक है, यूएसए से हमने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली है। और क्या लिया है, यूएसए से हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का और उनको हटाने की प्रक्रिया ली है। और हमने क्या लिया है यूएसए से, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति और उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमने यूएसए से ली है। मौलिक अधिकार और संविधान की जो सर्वोच्चता है वो भी हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। ठीक है जी, तो ये चीजें हमने यूएसए से ली है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की
विशेष विशेषता है, ठीक है। जो विधि का शासन है, विधि का शासन है वो क्या बोलता है? विधि का शासन कहता है कि जो मतलब कोई भी देश है उसके ऊपर, उसके अंदर जो विधि का शासन है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से निरंकुश इच्छा से किसी भी मतलब कोई भी शासन नहीं कर सकता। कहने का मतलब कोई भी उच्च पर पद पर, ठीक है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी है, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी है, सभी कानून के सामने समान है, सभी विधि के सामने समान है, ठीक है। कोई चाहे कितने भी बड़े, कितने बड़े ऊंचे पद पर हो, किसी के साथ कोई भी उसको मतलब किसी भी जुल्म में या किसी भी दोष में छोड़ा नहीं जाएगा। विधि का शासन सबसे ऊपर होगा। तो ये किस देश की है? तो ये है ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटेन की। ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है, यहाँ पर है ये विधि का शासन, ठीक है। हमारे भारत में भी ऐसे ही है ना, विधि का शासन, कानून को सबसे ऊपर माना जाता है। चाहे कोई कितने बड़े ही ऊंचे पद पर हो, उसको कोई छूट नहीं दी जाती, वो कानून के सामने समान है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण और उपयुक्त सभी, ठीक है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर ये सारी चीजें है ना, कि हमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कौन सी भी जाति से संबंध रखता है, सभी के लिए जो अवसर है वो समान होने चाहिए, ठीक है। अधिकारों का क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए हर किसी के अधिकार का, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा अपना डी ऑप्शन, सभी के सभी महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण में कौन से हैं जिन्हें 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है, संशोधित नहीं किया जा सकता? संप्रभुता, भूमिगीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। संप्रभुता, भूमिगीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। संप्रभुता, भूमिगीय अखंडता, शासन की संसदीय प्रणाली, ठीक है। किस किस को नहीं किया जा सकता अलग? संप्रभुता, भूमिगीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, ठीक है, इनको हम बिल्कुल भी संशोधित नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना डी ऑप्शन, ठीक है जी। इन सबको हम संशोधित नहीं कर सकते, संप्रभुता, भूमिगीय अखंडता, शासन की संसदीय प्रणाली, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन। ये थे अपने आज की सीरीज के 10 टॉप 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और ऐसे ही हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप इसको सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को भी लाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है जी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।